हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए F40 अपडेट्स मिले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए F40 अपडेट्स मिले हैं। काफ़ी यहाँ पे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है जिनको नया अपडेट मिला है। तो ये अपडेट शायद कल के दिन आया था, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जो भी ये सैमसंग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे तो अपना फ़ोन अपडेट कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला अपडेट मिला है जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स के लिए, जो कि मैं एक वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स को अपडेट मिला था। उसी टाइम इस सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स को भी एक अपडेट मिला था जिसकी अपडेट की फाइल थी यहाँ पे लगभग 107 MB के आसपास की, और वो जो अपडेट मिला था उतने ही MB की अपडेट की फाइल थी जो सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स को मिला था। तो अपडेट कर लेना जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स यूज़र हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कराया गया, सिर्फ इसमें बताया गया सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स में कि इसमें इसको यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद, मतलब इसको अपडेट करने के बाद इस फ़ोन को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी A51 के लिए। इसकी अपडेट की फाइल थी यहाँ पे लगभग 366 MB के आसपास की, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं मिला है, सिर्फ आपको इसमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A51 में। तो अपडेट कर लेना जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A51 यूज़र हैं, अपना फ़ोन अपडेट कर लेना सॉफ्टवेयर में जाकर, मैनुअली अपडेट जाकर अपडेट कर लेना। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी A50s के लिए। तो फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी A50s को भी यहाँ पे एक नया अपडेट मिला है जिसकी अपडेट की फाइल थी यहाँ पे लगभग 117 MB यानी 117 MB के आसपास की, और इसमें आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। और जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50s यूज़र है अपना फ़ोन अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50s और सैमसंग गैलेक्सी A51 को भी अपडेट मिलना है। तो अपडेट कर लेना, बस वीडियो में ही हाल फिलहाल वीडियो में जानकारी, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।